welcome back to my channel. I hope you all are well. So in my today's video, I am going to try and test some Plum products. Guys, Plum एक बहुत ही ज्यादा हाई ब्रांड है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर करा था. मैं इंडियन ब्रांड्स में काफी अच्छे ब्रांड्स सर्च कर रही हूँ जो कि केमिकल फ्री हो डेफिनेटली. सो आज मैंने ये Plum के ब्रांड को चूज करा बिकॉज दिस इज वेरी हाई ब्रांड. मेरे पास Plum के ये कुछ 3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं गाइज, आप देख सकते हो, दिस आर फ्रॉम Plum. सो मेरे पास जो पहला Plum का स्किन केयर प्रोडक्ट है, दिस इज अ ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश, एंड द सेकेंड वन इज दिस मिसलर वाटर फ्रॉम Plum, एंड द थर्ड वन इज दिस एलोवेरा जेल. ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं इन तीनों का रिव्यू भी थोड़ा बहुत कर दूंगी, या मुझे जैसा भी लगे ऑनेस्टली मैं आपको सब कुछ बता दूंगी. आई एम सो एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो. लेट मी टेल यू डैट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज जस्ट टेक अ सेकंड एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड या कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो. सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू डू अ नाइट स्किन केयर रूटीन बिकॉज अभी रात हो गया और मैंने अभी जस्ट एक फेयरवेल मेकअप शूट करा है. मिसलर वाटर को ट्राई एंड टेस्ट करूंगी. ओके गाइस, सो एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस Plum मिसलर वाटर, एंड दे क्लेम दैट इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्रेग्रेंस नहीं है और ये केमिकल फ्री है. द प्राइस इज 375 rupees एग्जैक्टली, एंड द क्वांटिटी यू विल गेट अराउंड 200 ml. ओके, उन्होंने यहाँ पे क्लेम करा है दैट दिस हेल्प्स टू यू नो रिमूव द टफेस्ट वाटर प्रूफ मेकअप. उन्होंने इसमें ऐड करा है एलोवेरा, ऑलिव, विच हेजल, कोकोनट फ्रूट एक्सट्रैक्ट, विच हेजल एंड कोकोनट फ्रूट एक्सट्रैक्ट. तो इस तरीके की कुछ इसकी पैकेजिंग है, और अब मैं इसको यूज करूंगी. तो सबसे पहले मैं एक कॉटन पैड ले लेती हूँ. ओके, ओ इसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा. आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, आप देख सकते हो. आई होप ये गिरे ना. ओके सर, इसके अंदर थोड़ा सा था. अब मैं इसके ऊपर इसका ये कैप लगा देती हूँ और इसको थोड़ा सा टाइटली मैं बंद कर लूँ वरना ये गिर जाएगा. तो ये मैं कॉटन पैड ले रही हूँ, एंड आई एम यूजिंग दिस. ओके सो लेट मी चेक. तो पहले मैं अपने आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी. थोड़ा सा आपको प्रेस करना है 4-5 seconds के लिए, लाइक प्रेस एकदम धसा मचना. इट्स ओनली 1 swipe गाइस. वाओ, सो इम्प्रेसिव. तो थोड़ा बहुत है वो भी निकल गया. लाइक एक स्वाइप में मेरा सारा, मैंने जितना भी आई शेडो लगाया था सब हट गया. आई रियली लाइक इट. बहुत ही अच्छे से मेरे आई मेकअप को रिमूव कर दिया, और अभी मैंने इसमें अभी एक्स्ट्रा यूज नहीं करा, मैंने इसको सिर्फ ओपन करके रखा है. तो अभी मैंने इसमें अभी जो मैंने ड्रॉ किया है बस वही. तो अभी मैं लिपस्टिक देखती हूँ क्या ये इरेज करते हैं लिपस्टिक को. नॉट 1 swipe में तो नहीं कर रहा है. एक्चुअली मैंने जो लिपस्टिक लगाई थी अ स्टेन लिपस्टिक, तो लिपस्टिक तो काफी हद तक इसने रिमूव कर दी है, बट ये बहुत लिक्विड लिपस्टिक थी जो कि बहुत ही ज्यादा वाटर प्रूफ है, एंड और एज वेल एज ये काफी स्टेन वाली लिपस्टिक है. ठीक है, रिमूव करने के बाद इतना थोड़ा सा रह जाता है. अब मैंने लिपस्टिक और आई मेकअप काफी अच्छे से रिमूव कर लिया. अब मैं सेकेंड साइड में इसको ले रही हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसके ड्रॉप्स में ले रही हूँ, एंड देन आई विल रिमूव माई फेस मेकअप जो कि मैंने लगा के रखा है. एग्जैक्टली गाइस, ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है. गाइस मुझे काफी अच्छा लगा. आप देख सकते हो इसने मेरा पूरा मेकअप निकाल दिया गाइस, पूरा मेकअप. आई रियली लाइक दिस. लाइक मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं. बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हल्का सा ऐसे नहीं होता वैसा वाला फीलिंग हो रहा है, थोड़ा इरिटेशन हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर. ठीक है, नहीं तो ये काफी अच्छा मुझे लगा. लाइक अगर मुझे इसको 10 में से देना होगा, इट्स 9. ओके, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ दिस Plum ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश. दिस इज वेरी गुड फॉर एक्ने एंड पिंपल प्रोन स्किन. सो मैंने इसको सुना है कि ये बहुत अच्छा है एक्ने और पिंपल प्रोन स्किन के लिए. एक्ने प्रोन स्किन के लिए, पिंपल नहीं, एक्ने प्रोन स्किन के लिए. ठीक है, तो दिस इज द फेस वॉश. लेट मी चेक कि ये कैसा होता है द फर्स्ट यूज. अभी मैं इसको करती हूँ, ठीक है. तो उसके लिए मुझे अपने फेस को वॉश करना पड़ेगा पानी से. ये पूरा सील पैक्ड है. ये सो क्यूट गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग है. अगर आप देखोगे तो आपको भी लग रहा होगा कि ये कितना अच्छे प्रोडक्ट है ना, बट हमें को पैकेजिंग से ज्यादा प्रोडक्ट से लेना देना है. ठीक है, मैं इसको यूज कर लेती हूँ.
वेरी माइल्ड स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड स्मेल है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्लेम क्या करा है। तो मैं इसको सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। द प्राइस इज 345 रुपीज, द क्वांटिटी यू विल गेट 75 ml। लाइक द कंसिस्टेंसी इज सो गुड, द टेक्सचर इज सो गुड, वेरी लाइक क्रीम, इट्स नॉट क्रीमी, इट्स वेरी जेल बेस्ड टेक्सचर। और इसके अंदर मुझे छोटे छोटे ना ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे इसके अंदर ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स हैं। अगर आपको दिखेगा तो नो आई विल शो यू, लाइक अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। वेरी माइल्ड गाइस, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ, आई नीड सम वाटर, तो अभी मैं पानी थोड़ा मुंह धो के आती हूँ। वाओ, इट्स वेरी सूदिंग, ये बहुत ज़्यादा लेदर तो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। मे भी यहाँ पे पानी में थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ इस वजह से, बट ये बहुत ज़्यादा लेदर नहीं कर रहा है। नाउ गाइज आई एम डन बाई यूजिंग दिस फेस वॉश, और गाइज आफ्टर वॉशिंग माई फेस आई एम थिंकिंग दैट कि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लोइंग एंड क्लीन लग रहा है। काफ़ी माइल्ड तरीके से इसने मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया है, एज यू कैन सी। मतलब मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फेस वॉश करने के बाद इट्स वेरी माइल्ड। तो अगर मुझे इसको देना होगा नंबर इंस्टेंट अभी, तो मैं इसको 10 out of 10 दूंगी, बिकॉज ये मुझे काफ़ी अच्छा फेस वॉश लगा। लाइक इट्स नॉट यू नो, इट्स रिमूविंग ऑयल बट नॉट रिमूविंग द नेचुरल ऑयल ऑफ माई फेस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लम एलोवेरा जेल। इसकी जो प्राइस है दिस इज 395 रुपीज एंड द क्वांटिटी यू विल गेट 250 ग्राम एंड दे क्लेम दैट कि 99% नेचुरल है, 1% केमिकल है। ओके, सो ये 99% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है और ये फ्रेग्रेंस फ्री है। गाइस इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी टब वाली पैकेजिंग है, काफी बड़ा है ये और कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये लगा था तो मैंने इसको फाड़ लिया है अभी, मैंने इसको अभी इसके पहले नहीं यूज़ करा है, ट्रस्ट मी गाइस, अभी मैंने इसको टीयर करा है बिकॉज मुझे ये वीडियो दिखाना था तो ये मुझसे खुल नहीं रहा था, तो अभी मैंने इसको टीयर करा है। और आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ मिल जाएगा प्लास्टिक, लुकिंग सो मच जेलिश गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बहुत ही ज़्यादा जेलिश है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा। ओरिजिनल एलोवेरा जेल होता है ना वैसा है, और स्मेल बहुत खास नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है इन्होंने ऐसा लिखा है, बट कुछ डिफरेंस स्मेल है इसकी, आई डोंट नो, हो सकता है ये एलोवेरा जेल का नेचुरल स्मेल हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। तो अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड लेट मी शो यू, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा चिपचिपा भी लग रहा है मुझे, ये ना जेली की तरह ऐसे से हिल रहा है। ओके, ये जेली की तरह थोड़ा सा ना इस तरीके से बाउंस हो रहा है और ये ना थोड़ा सा आप देख सकते हो थोड़ा सा चिपचिपा है, वेरी स्टिकी। मैं इसको अभी लगा लेती हूँ अपने फेस पर एंड देन आई विल, गाइस ये बहुत स्टिकी मुझे लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, अब बस ये अब्सॉर्ब हो जाए, जब तक ये अब्सॉर्ब नहीं होता मैं अपने फेस को थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है गाइस, अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है, बहुत ही ज्यादा ऑयली है ना, और आपको कोई क्रीम वगैरह स्मूथ नहीं कर रहा है तो आई थिंक आपको इसको यूज़ करना चाहिए, बट ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे स्टिकी लग रहा है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी स्टिकी है। ऑल्दो ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लाइक ग्लो तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज इट्स जस्ट एलोवेरा जेल और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है। आई एम फीलिंग लाइक दैट मेरा जो स्किन है इट्स लिटिल बिट ऑफ ड्राई, या ये पूरा स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, कैन यू सी, ये पूरा मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है गाइज, आई डोंट नो व्हाट इज दिस बिकॉज इट्स फीलिंग लाइक कि मैंने अभी ओरिजिनल एलोवेरा जेल लगाया, उसको लगाने के बाद जैसे आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई ड्राई हो जाती है ना, ये बिल्कुल भी वैसा ही है, एकदम वैसा है और लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तुरंत मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं लगाया, बट इसको लगाने के बाद आई एम फीलिंग लाइक कि जो मेरा स्किन है वो थोड़ा सा खींचा खींचा जैसा लग रहा है। ऑल्दो मुझे ये थोड़ा ठीक भी लग रहा है, इट्स लाइक 50-50 बिकॉज इट्स वेरी स्टिकी, और मुझे स्टिकी जेल और क्रीम लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक आपको बार बार ऐसा फील होता रहेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया है, क्योंकि अभी मेरी फेस थोड़ी सी ड्राई ड्राई लग गई है, ऑयली स्किन टाइप, बट मुझे मैं जब इसको अभी मैंने इसको अप्लाई करा और मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी ड्राई एज वेल एज स्टिकी स्टिकी लग रही है, वेरी स्टिकी, नॉट नॉन स्टिकी। एंड गाइज इन प्रोडक्ट्स को मैंने मंगाया था फ्रॉम purplebeauty.com से और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आए थे, सो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट रिसीव हो गया था, ठीक है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो, और कमेंट करके बताएं आपको किसका रिव्यू चाहिए, बिकॉज अब तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ और मुझे जैसा भी ये प्रोडक्ट लगेगा मैं डेफिनेटली आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।